हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड परीक्षा और आप देख रहे हैं बीबीपी हेल्प। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। यहां से हम लोग पूरी हिस्ट्री के बुक से जितने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे को पढ़ेंगे, क्योंकि 300 से अधिक क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं बस इस ही वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिएगा, और अगर एग्जाम भी देने के लिए चले जाइएगा तो यहां से आप पूरी तरीके से जो है आप सारे प्रश्नों को हल कर पाइएगा एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। अगर आप लोग क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो फटाफट से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप साथ में बने रहिए। सबसे पहला प्रश्न यहां पर है, देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था। तो भारत जो है किस वर्ष गणतंत्र हुआ था, तो इसका राइट आंसर एक नंबर का क्या हो जाएगा, तो यहां पर बी नंबर क्या जाएगा, 1950 में। ठीक है, अब यहाँ देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या हो जा रहा है, मौर्य कालीन कलिंग राज्य स्थित था, तो कहाँ पर स्थित था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी वर्तमान दक्षिण उड़ीसा में। अब यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है, तो अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख का जो पता चलता है कहाँ से मिलता है, तो इसका राइट आंसर तीन नंबर का क्या हो जाएगा, तो तीन नंबर का डी नंबर राइट आंसर 13वें अभिलेख से, क्या हो जाएगा 13वें अभिलेख से। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब चार नंबर को देखेंगे क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की, तो हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई किसने की थी, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो डी नंबर राइट आंसर है क्या, यानी ए और सी दोनों हो जाएगा, यानी किसने की थी, यानी सर विलियम जॉन्स ने, उसके बाद सर विलियम जॉन्स और सर जॉन मार्शल ने। ठीक है जी हाँ, अब देखेंगे आगे की आगे क्वेश्चन नंबर पाँच नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कालीबांगन किस नदी के किनारे अवस्थित था, तो कालीबांगन जो किस नदी के किनारे अवस्थित था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर राइट आंसर यानी सरस्वती नदी के किनारे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी प्रश्न, इसीलिए आप लोग अच्छी तरीके से सारे प्रश्नों को देखिएगा और यहाँ से आप पूरी तैयारी करके जो है आप एग्जाम देने के लिए जा सकते हैं हिस्ट्री का। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर छः नंबर क्या बोला जा रहा है, 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति था, तो 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो यहाँ पर छः नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को जल्दी जल्दी से जवाब देने हैं, तो यहाँ पर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर में क्या है, यानी मंगल पांडे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, सात नंबर जो कह रहा है कि अल बरूनी भारत किस शताब्दी में आया था, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी 10वीं शताब्दी में भारत आया था, सात नंबर का बी नंबर। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी जल्दी जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिए। अब यहां क्वेश्चन क्या है, फ्रांसवा बेर्नियर था, तो फ्रांसवा बेर्नियर क्या था, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यानी डी नंबर, उपरोक्त सभी हो जाएगा। देखिए आप लोगों को इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है, आप लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि 300 क्वेश्चन का जो सीरीज है आप लोग यहां से कवर करेंगे, तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा हिस्ट्री पेपर में। अब यहाँ देखिए कौन सा उपनिषद अर्थवेद से संबंधित नहीं है, तो नौ नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो नौ नंबर का राइट आंसर डी नंबर, यानी श्वेताश्वर हो जाएगा। ठीक है जी हाँ, अब देखेंगे आगे की ओर, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि खुद्दक निकाय का संबंध है, तो खुद्दक निकाय का संबंध किससे है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर, यानी क्या हो जाएगा, सुत्त पीठक से। ठीक है जी हाँ, अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, देखिए ये प्रश्न आप लोग को बहुत बार पूछा गया है, इसलिए VVI क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जैन साहित्य है, निम्नलिखित में से कौन सा जो जैन साहित्य है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्री नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी मध्यमिका सूत्र से राइट आंसर क्या हो जाएगा, शी नंबर। ठीक है जी हाँ, अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कितने वर्ष की आयु में महावीर ने घर परित्याग किया था, तो यहाँ पर 12 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 12 का बी नंबर राइट आंसर, यानी 30 वर्ष की आयु में महावीर ने घर को परित्याग किया था। जी हाँ बिल्कुल, आप लोग का सही आंसर आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या बोला जा रहा है, 510 ईस्वी में सती प्रथा का साक्ष्य वाला पहला अभिलेख जो है कहां से मिला था, तो यहां पर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का राइट आंसर डी नंबर, यानी एरन में मिला था। जी हां बिल्कुल, आप लोगों का भी सही आ चुका है। अब यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है, क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है, तो क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है, तो प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है, तो 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बोलिएगा, तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर में क्या है, यानी महाभारत हो जाएगा। ठीक है, महाभारत। चलिए अब बढ़ेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सम्राट अशोक के अभिलेख अधिकांश किस लिपि में, तो सम्राट अशोक के अभिलेख जो अधिकांश किस लिपि में है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर में, यानी ब्राह्मी लिपि में, किस में है, ब्राह्मी लिपि में। ठीक है जी हाँ, अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि प्रसिद्ध अभिलेख प्रयाग प्रस्थी को किस शासक ने उत्कीर्ण करवाया था, तो 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा, तो आप लोग जो है
जो है आगे हम लोग फटाफट से करेंगे। यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर समुद्रगुप्त हो जाएगा, ठीक है, समुद्रगुप्त राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल। अब देखते हैं आगे, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो अभी हम लोग देख रहे हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या बोला जा रहा है इसमें, कह रहा है कि देखिए, चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलिएगा आप लोग, क्या कह रहा है, मगध साम्राज्य की आरंभिक राजधानी थी। तो मगध साम्राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी, तो यहाँ पर जो हमारा 18 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलो जल्दी से बोलिएगा आप लोग। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप लोगों का तो एकदम सभी का सही आ रहा है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजगृह हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर राजगृह यानी राजगृह सी नंबर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे आगे, आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सम्राट अशोक के अभिलेख को पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो यहाँ पर राइट हो जाएगा यानी ए नंबर जेम्स हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर ए नंबर। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रसिद्ध स्थल लोथल कहाँ यानी स्थित जो है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा 20 नंबर का। जी हाँ, तो 20 नंबर का राइट आंसर यानी डी नंबर गुजरात। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 21 नंबर कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम किस स्थल की थी, तो 21 नंबर का राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलिए बी नंबर यानी हड़प्पा हो जाएगा, ठीक है, हड़प्पा राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल। अब बढ़ेंगे आगे की ओर, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 22 नंबर, जल्दी से बोलिएगा आप लोग भी जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन की घोषणा जॉन मार्शल ने किस वर्ष की थी, तो यहाँ पर जो हमारा 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यानी 1925 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 23 नंबर कह रहा है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर यानी क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। जी हाँ अब आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 24 नंबर कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। जी हाँ बिल्कुल, आप लोग का सही आ रहा है, क्या बात है, आप लोग का सही भी आना भी चाहिए, क्योंकि आप लोग का ये अगर जो भी मॉडल पेपर, यहाँ मॉडल पेपर तो नहीं है, पूरी तरीके से सारे बुक का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिया गया है यहां से अगर आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, तो इसका मतलब कि आप जो है क्या है पूरी तरीके से तैयार देने में सक्षम हो सकते हैं, ठीक है। तो 25 नंबर में क्या है, कह रहे कि द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ किस वर्ष हुआ था, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा यानी बी नंबर हो जाएगा, 1939 में, ठीक है। जी हाँ अब आगे बढ़ेंगे, क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि क्रिप्स मिशन भारत आया था, तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यानी 1942 में आया था, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे की, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि महत्वपूर्ण घटनाओं को तिथि क्रम के आधार पर सजाएं, तो ये 27 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर यानी रॉलेट एक्ट यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 27 का यानी बी नंबर, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बिहार में नील आंदोलन की बागडोर महात्मा गांधी ने किस वर्ष संभाली थी, तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा यानी 1917। देखिए आप लोग को अच्छी तरीके से ये पूरा वीडियो देखना है, और आप लोग करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके से आप लोगों को पढ़ने के लिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, क्योंकि लाइक करने से जो मोटिवेशन बढ़ता है हम लोगों का, और पता चलता है कि कितने सारे स्टूडेंट को अच्छा लगा इस वीडियो को। अब यहाँ देखिए, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता वीर कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे, तो यहाँ पर 29 नंबर का आंसर डी नंबर, जगदीशपुर के जमींदार थे, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे की, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यानी क्या है हमारा क्वेश्चन, चलिए 1857 के विद्रोह के नेता अखिल भारतीय स्तर पर किसे माना गया है, तो यहाँ पर 30 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 30 नंबर का यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी बहादुर शाह जफर हो जाएगा, ठीक है। जी हाँ चलिए अब देखते हैं आगे की, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस भू राजस्व व्यवस्था में सरकार ने भूमि का मालिकाना हक किसानों को दिया, तो 31 नंबर का आंसर डी नंबर हो जाएगा यानी रैयतवारी हो जाएगा, ठीक है, रैयतवारी। जी हाँ अब आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में सूफी मत का कौन सा सिलसिला सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ, तो भारत में सूफी मत का कौन सा सिलसिला जो है भारत में लोकप्रिय हुआ था, तो 32 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, चिश्ती हो जाएगा, ठीक है। जी हाँ चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 33 नंबर कह रहा है कि प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री अब्दुल रज्जाक की यात्रा के समय दिल्ली का सुल्तान जो कौन था, तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर राइट आंसर यानी मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। जी हाँ अब आगे बढ़ेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से जवाब देने की कोशिश करिएगा, मूर्ति निर्माण की गंधार शैली का विकास किस
के काल, यानी किस वंश के काल में हुआ था। तो 34 नंबर का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यानी सी नंबर सॉरी बी नंबर यानी कुषाण हो जाएगा, ठीक है कुषाण। तो आप लोग बिल्कुल सीरियसली से इस प्रश्न पेपर को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को जो है ये पढ़ना चाहिए हर हाल में। अब यहाँ देखिए, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल अमरावती किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर 35 का क्या हो जाएगा, 35 का सी नंबर यानी आंध्र प्रदेश में है, राइट आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में 300 क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग को शुरू से लेकर आखिर तक दोबारा से आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है, 1857 की क्रांति से पूर्व अफवाहें फैल रही थी कि कौन सी अफवाहें सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, 36 नंबर का, 36 का राइट आंसर यानी ए नंबर कह रहा है, यानी करतूसों में गाय की शुअर की चर्बी भरी हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला जा रहा है, किस रिपोर्ट के संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है। तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर राइट आंसर यानी पांचवी रिपोर्ट, ठीक है। वैसे तो आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब दे रहे हैं, क्या बात है, बहुत अच्छा, शाबाश। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि फ्रांसिस बुकानन के विवरणों की तुलना इतिहास के किस स्कूल में दी गई है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनाल्स राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा 39 नंबर का, जी हाँ। तो 39 का राइट आंसर हमारा यानी डी नंबर हो जाएगा, ए सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला, 40 नंबर कह रहा है कि रामानंद के शिष्य थे रामानंद, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी जी एस लीबीदेव, ठीक है, जी एस लीबीदेव हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता, तो चलिए अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर तक का काल का इतिहास मिलता है। तो यहां पर 42 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को क्या करना है, जवाब देना है। तो यहां पर राइट आंसर जो हो जाएगा यानी बी नंबर, ठीक है, बी नंबर अकबरनामा हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं 43 नंबर, कह रहा है कि अकबरनामा एवं आयने अकबरी के अनुवादक कौन थे। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 44 नंबर, कह रहा है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर जल्दी से आप लोग को जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 44 का। चलिए तो 44 नंबर का यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा यानी शूद्र, राइट आंसर डी नंबर होगा, ठीक है, शूद्र हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि महाभारत के आदि पूर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर 45 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा यानी 102वें में, ठीक है, जी हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस सारे प्रश्न को आप लोग को देखना चाहिए अच्छी तरीके से। अब यहाँ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है, यानी कौन है। तो यहाँ पर 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यानी यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कह रहा है कि किस शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, 13 हो गया, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, 13। अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 नंबर, जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे। तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां पर राइट आंसर यानी सी नंबर हो जाएगा, हरियक वंश के काल में थे, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि प्रयाग प्रस्थी किस शासक के विजय का वर्णन है। तो यहाँ पर 49 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर यानी क्या जाएगा, समुद्रगुप्त का यानी जीतने का वर्णन है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर यानी 50 नंबर क्या हो जा रहा है, कह रहा है 510 ईस्वी में यानी सती प्रथा का साक्ष्य वाला अभिलेख कहाँ से मिला। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, ईरान से मिला है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था। तो गंगा पुत्र किसे कहा जाता था, तो 51 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यानी भीष्म को कहा जाता था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बताया, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल्का प्रमाण मिला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कालीबंगन में मिला है। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बताया, कह रहा है कि मोहन जोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी। तो मोहन जोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी, तो यहाँ पर 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर यानी क्या है, राखल दास बनर्जी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आगे अगर, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण क्या थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं, तो इसका यानी राइट आंसर जो हो जाएगा यानी सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर में क्या है, चारबी वाला करतूस राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे की, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मूर्ति निर्माण की गंधार शैली का विकास किस वर्ष के काल में हुआ था। तो 55 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 55 का यहाँ राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, कुषाण राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे की, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि वह कौन व्यक्ति जो विदेश में रहकर भी 1857 की क्रांति पैनी नजर रखे हुए था, और न्यूयॉर्क डेली ड्यूबटन में उसने इस पंक्ति पर 21 लेख लिखे। तो 56 नंबर का राइट आंसर नंबर 57 की ओर। तो दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो रहा है, कह रहा है
कि मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है, तो 57 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, यानी तीनों कथन सही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहे दोस्तों, मगध साम्राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी, मगध साम्राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर यानी राजगृह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में से संबंधित सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 59 नंबर का बी नंबर यानी हड़प्पा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न 60 नंबर स्क्रीन पर आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता उत्खनन की घोषणा जॉन मार्शल ने किस वर्ष की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा यानी बी नंबर 1921 में की थी। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको जो है इतना बार जो है कोई कोई क्वेश्चन जो दोबारा हो जाएगा तो आपको रिपीट जो है हो जाता है, यानी आप लोग नहीं भूलेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो रिपीट भी हो सक्ता है। अब यहाँ पर क्या है, महत्वपूर्ण घटनाओं को तिथि क्रम में के आधार पर सजाएं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग बता सकते हैं अभी भी राइट आंसर रिलेटेड। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं क्या कह रहा है, 62 नंबर बिहार में नील आंदोलन की बागडोर महात्मा गांधी ने किस वर्ष संभाली थी, तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जो है रिपीट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग पूरे वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि रिपीट करके आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और आप लोग भूलेंगे नहीं। तो 62 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर यानी 1917। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके दोस्तों क्या कह रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता वीर कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी नंबर हो जाएगा जगदीशपुर के। अब यहाँ पर दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं, सांची में पत्थरों पर किस पुस्तक की कहानियों का अंकन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी 64 नंबर का बी नंबर हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर यानी जातक का। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न पर क्या करें, 1500 ईसा और 1000 ईसा के बीच किस वेद का संकलन हुआ था, तो 65 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो डी नंबर यानी ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों, प्रभावती गुप्त किस गुप्त शासक की बेटी थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 66 नंबर का, तो क्या हो जाएगा बी नंबर यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो दोस्तों अब हम लोग जो 200 प्रश्न का जो सीरीज चल रहा है तो यहाँ पर 66 नंबर पे आ चुके हैं, तो पूरे वीडियो को 100% आप लोग को देखना है। अगर आप देखेंगे तो आपको 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो यहाँ पर आप 67 नंबर को देख लेते हैं, ईसा पूर्व छठी और चौथी शताब्दी के बीच सबसे शक्तिशाली महाजन पद इनमें से कौन था, तो दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा यानी ए नंबर हो जाएगा मगध। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोग जो है पढ़ चुके हैं फिर भी इस क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि है ना क्या कि रिवीजन जो है किताब में जल्दी नहीं हो पाता है, सो वीडियो के माध्यम से आप जो सुन भी सकते हैं, सुनकर जो है आप इसको याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, 68 नंबर इसमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल नहीं है, तो 68 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी नंबर यानी अंतर जखीरा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं 69 नंबर क्या कह रहा है, संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी सी नंबर हो जाएगा यानी 1946 को। अब बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं, क्या कह रहा है दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था, तो 70 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, लंदन में हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके दांडी यात्री हुई थी, तो कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 71 नंबर का बी नंबर, 1930 को दांडी यात्री महात्मा गांधी ने शुरू किए थे। अब यहाँ पर आ चुकी है 72 नंबर, किस वर्ष अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था लागू हुई, तो दोस्तों 72 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा यानी 1793 ईस्वी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों, किस भू राजस्व व्यवस्था में सरकार ने भूमि का मालिकाना हक किसानों को दिया, तो 73 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यानी डी नंबर रैयतवारी। ठीक है, रैयतवारी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 74 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, भारत में सूफी मत का कौन सा सिलसिला सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी 74 नंबर का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा यानी चिश्ती। ठीक है दोस्तों, तो कोई कोई क्वेश्चन अगर रिपीट हो चुका है तो आप लोग जो है आप लोग खुशी होना चाहिए कि रिपीट हो रहा है, यह क्वेश्चन जो है मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। अब 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल अमरावती किस राज्य में स्थित है, तो 75 नंबर का सी नंबर राइट आंसर यानी आंध्र प्रदेश। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आज काफ़ी इंपॉर्टेंट, सिंधुवासी निवासी किस देवी देवता की पूजा करते थे, तो 76 नंबर का राइट आंसर बी नंबर यानी प्रकृति देवी की। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न, 70 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है दोस्तों, देश के किसानों ने विद्यार्थी और मजदूरों के साथ मिलकर किस आंदोलन में प्रमुख रूप से भाग लिया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 77 नंबर का, तो डी नंबर यानी भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है कमेंट करते रहिए आप लोग भी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा 78 नंबर का बी नंबर राइट आंसर यानी अल हिलाल। ठीक है, अल हिलाल पेपर का जो है वो प्रकाशन किया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों, क्या कह रहा है, कश्मीर में जनमत संग्रह का निर्देश सुरक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा यानी 1948।
अब देखते हैं यहाँ पर 79 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है कि कश्मीर में जनमत संग्रह का निर्देश सुरक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर यानी 1948। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है दोस्तों क्या कह रहा है कि 1857 की क्रांति किसने प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहा था। तो 80 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर यानी बी डी सावकर ने कहा था। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 81 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बिहार के जगदीशपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 81 नंबर का राइट आंसर यानी डी नंबर, वीर कुंवर सिंह। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 82 नंबर क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु सी नंबर हो जाएगा, श्री कृष्ण गोखले हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है दोस्तों, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों हेतु पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब उठाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 83 नंबर का टू बी नंबर 1940। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। 84 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि दांडी यात्रा के दौरान किस कानून को तोड़ा। तो 84 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा यानी क्या कह रहा है कि नमक कानून। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 85। क्या कह रहा है कि 1942 ईस्वी में किस आंदोलन को आंदोलन का आरंभ हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 85 नंबर का डी नंबर यानी भारत छोड़ो में भारत छोड़ो का जो है आंदोलन हुआ था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों सी नंबर यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर क्या है कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ। तो 87 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो यानी बी नंबर हो जाएगा यानी 1949। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है, हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 88 नंबर का यानी ए नंबर यानी क्या हो जाएगा 1948। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न की ओर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया, तो क्या मुक्त करवाया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर यानी गोवा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 90 नंबर क्या कह रहा है, हरप्पा की खोज का श्रेय किसे है। तो हरप्पा की खोज का श्रेय किसे है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यानी दयाराम शाहनी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्या कह रहा है यहाँ पर, कृष्णदेव राय संबंधित है, तो किससे संबंधित था। डी नंबर यानी विजयनगर से। ठीक है, विजयनगर से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, 92, बाबा गुरु नानक का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर यानी 1469 में हुआ था तलवंडी नामक जगह में। ठीक है, अब यहाँ पर बढ़ते हैं अगला प्रश्न, पद्मावत के रचयिता कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 93 नंबर का। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यानी पद्मावत के रचयित कौन थे, बी नंबर यानी मलिक मोहम्मद जयसी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 94 नंबर क्वेश्चन क्या करें, वीर साहब पंथ के प्रवर्तक कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी डी नंबर, बस बनना, राइट आंसर बस बनना हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 95 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि अलवार किस भगवान की पूजा करते थे। तो 95 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर यानी विष्णु के। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 96 नंबर क्या कह रहा है, फ्रांकोइस बैनियर कौन था। इसका राइट आंसर ए नंबर यानी एक फ्रांसीसी था। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है दोस्तों, सांची में पत्रों पर किस पुस्तक की कहानियाँ अंकन है। तो 97 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा यानी बी नंबर, जातक का। तो दोस्तों शायद आप लोग जो वीडियो देखते कर थक गए होंगे, मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, बट आप लोग फिर भी देखना है इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो को देखकर आप जो एग्ज़ाम में जो है अच्छे मार्क्स कर सकते हैं, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में हम लोग कवर करेंगे। तो मैं भी काफ़ी थक गया हूँ इन्हें बोल बोलकर, फिर भी मैं वीडियो को जो है 200 प्रश्न तक मैं जाऊँगा। अब यहाँ पर 1500 ईसा और 1000 ईसा के बीच किस वेद का संकलन हुआ। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 99 नंबर का ए नंबर यानी। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 99 नंबर क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ चुके हैं फिर पढ़ लेते हैं। तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। तो राइट आंसर 99 नंबर का क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो ए नंबर। ठीक है, ए नंबर यानी मगध। तो 98 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऋग्वेद डी नंबर होगा। ठीक है, 98 नंबर का डी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है 100 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 100 नंबर का राइट आंसर, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, ए नंबर डी सी नंबर यानी अंतर जखीरा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 101 नंबर क्या है, संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो राइट आंसर जो जाएगा यानी सी नंबर क्या हो जाएगा 1946 में। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों क्या कह रहा है कि इनमें से किसका संबंध हड़प्पा सभ्यता से नहीं है। तो 101 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो डी नंबर यानी अमरावती। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर यानी शहरी सभ्यता था। तो ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर 103 अब 4 में आ चुके हैं। तो पूरे वीडियो को जरूर देखना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है, क्योंकि काफ़ी मेहनत से ये वीडियो बनाया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं अशोक के अभिलेख की भाषा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर यानी
प्रकृति। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है, 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? तो राइट आंसर 105 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, मगध राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 106 नंबर प्रश्न की ओर। क्या कह रहे हैं दोस्तों, यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्यों की सेना में कितने पैदल सैनिक थे? तो 106 नंबर का क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर, यानी 600,000। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों, पर्याग परिस्थिति किस राजवंश से संबंधित है? तो 107 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी डी नंबर, यानी सॉरी हाँ, तो 107 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, यानी डी नंबर, यानी गुप्त वंश से पर्याग वंश जो है राजवंश से संबंधित था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 108 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि रोमन साम्राज्य से व्यापार संबंध स्थापित करने का श्रेय है तो किसके? तो 108 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर, यानी कुसानों को है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि आंध्र भोज किस विजयनगर शासक को कहा जाता है था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 109 नंबर का, तो सी नंबर हो जाएगा, कृष्णदेव राय को। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 110 नंबर प्रश्न है, भारत में चिश्ती शाखा का प्रवर्तक सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके दोस्तों, क्या कह रहा है, सूफी मत की फिरदौस शाखा में से कहाँ सबसे अधिक पनपी? फिरदौसी शाखा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 111 नंबर का, तो इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, यानी बिहार में सबसे अधिक पनपा है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। तो आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 112, अकबर निम्नलिखित में किस भूभाग पर विजय करने का सफल नहीं हो सका? तो अकबर जो है किसको नहीं जीत सका था? तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी चित्तौर को जो है वो नहीं जीत पाया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 113 नंबर क्वेश्चन क्या कर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो मुगल प्रशासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण शक्ति नहीं था? तो 113 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो 113 नंबर का सी नंबर, यानी तुर्क राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 114 नंबर क्या कह रहा है कि किस किले की इमारत मुगल काल में कला की दृष्टि से पराकाष्ठा पर पहुंची? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, 114 नंबर का, तो सी नंबर हो जाएगा, लाल किला, ठीक है, लाल किला दिल्ली। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 115 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन मुगल शहजादी थी जो कवित्री थी? तो 115 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो बी नंबर हो जाएगा, यानी जुबिन निशा, ठीक है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 116, धर्म के वाहम आडंबर किस संत ने सबने सार्वधिक आलोचना की? तो 116 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा फ्रेंड, ए नंबर, यानी नानक, ठीक है, नानक राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न 117 नंबर, निम्नलिखित में से किस संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी? तो 117 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी मानेश्वर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 118 नंबर क्या कह रहा है कि अकबर द्वारा निर्मित इमारतों में अधिकांश किस वस्तु का प्रयोग हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 118 नंबर का बी नंबर, लाल पत्थर तथा संगमरमर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 119 नंबर क्या कह रहा है कि महाभारत में सलेखों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 119 नंबर का, तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी 100,000। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है, क्या कह रहा है कि 120 सांची का स्तूप किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर 120 नंबर का क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो बी नंबर, यानी मध्य प्रदेश। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि सांची के स्तूप में किस ग्रंथ के पात्रों का चित्रण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 121 नंबर का, तो बी नंबर, यानी जातक, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुके दोस्तों, क्या कह रहा है, रीला नामक ग्रंथ का रचयिता कौन था? तो 122 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ए नंबर, इब्न बतूता। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, अब्दुल रजाक किस देश का रहने वाला था? तो इसका राइट आंसर 123 नंबर का क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो डी नंबर, ईरान का रहने वाला था अब्दुल रजाक। अब बढ़ते हैं अब अगला प्रश्न की ओर। तो आ चुके हैं दोस्तों 124 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा 124 नंबर का, ए नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 125 नंबर, क्या कह रहा है कि अलवार किस देवता में विश्वास रखते थे? तो 125 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो सी नंबर राइट आंसर, यानी विष्णु में रखते थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 126, क्या कह रहा है कि तंजोर के राज राजेश्वर का मंदिर किसने बनवाया? तो 126 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी राज राज चोल, ठीक है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 127 नंबर दोस्तों, यहाँ पर क्या कह रहा है कि शाहजहाँ द्वारा बसाई गई राजधानी का नाम क्या था?
दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर यानी शाहजहांबाद। तो दोस्तों आप लोग सोचते होंगे कि ये कितना बड़ा वीडियो है क्योंकि 200 क्वेश्चन का है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को जो है आप लोग देखकर एग्जाम देने के लिए चले जाओ। मैं 100% गारंटी कहते हैं कि इसमें से सभी क्वेश्चन आ जाएगा आप सभी को, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। 128 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुलबदन बेगम कौन थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी सी नंबर क्या हो जाएगा, लेखिका थी। अब यहाँ पर हम लोग 200 के सीरीज में हम लोग जो है आ चुके हैं 129 तक। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि जात का संबंध किससे था? तो इसका एक तो 129 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी ओहदा और वेतन से, ठीक है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके 130 नंबर, क्या कह रहे दोस्तों, करिए स्थापत्य कला का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 130 नंबर का, सो राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी भवन निर्माण से। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, क्या कह रहा है दोस्तों, भारत की पहली रेल लाइन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो 131 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, मुंबई से थाने के बीच चली थी। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर, क्या कह रहा है दोस्तों, अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 32 नंबर का, डी नंबर यानी 13वें अभिलेख में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 133 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि सांची स्तूप का निर्माण सर्वप्रथम किसके काल में हुआ था? तो 133 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी अशोक के काल में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, एलोरा का कैलाश मंदिर किस राजवंश के द्वारा बना? तो इसका राइट आंसर क्या 134 नंबर का, सी नंबर यानी राष्ट्रकूट। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है, अबुल फजल कृत आयने अकबरी में किस शासन का वर्णन है? तो 135 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी बी नंबर क्या हो जाएगा, अकबर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्या कह रहा है, गांधी जी ने नमक कानून किस वर्ष भंग किया? तो 136 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर यानी 1930। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, 137 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देसी रियासतों की भारत में मिलाने का श्रेय किसे है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी डी नंबर, वल्लभ भाई पटेल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो यहाँ पर आ चुके 138 नंबर, 200 प्रश्न का सीरीज जो है अब आधा आधा लगभग हो चुका खत्म। यहाँ पर आ चुके 138, सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह का अवशेष कहाँ से मिले थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर 138 नंबर का क्या हो जाएगा, डी नंबर, लोथल में मिले थे। अब बढ़ते हैं पर अगले प्रश्न की ओर, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अग्रहर भूमिदान की जाति थी, तो क्या थी दोस्तों? इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी 139 नंबर का राइट आंसर ए नंबर, ब्राह्मणों को दान की जाती थी, भूमिदान की जाती थी, ठीक है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले 40 नंबर क्वेश्चन की ओर, यानी 140, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर, यानी राजगृह में हुई थी। अब अगला प्रश्न है कि जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो जैन संगीति कहाँ हुई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 142 नंबर, डी नंबर, सॉरी सी नंबर, यानी बल्लभी में हुई थी। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर, तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुके हैं, बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए कौन शासक प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर 142 नंबर का क्या हो जाएगा, फ्रेंड, यानी सी नंबर, अलाउद्दीन राइट आंसर हो जाएगा। अब 143 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जजिया समाप्त किस मुगल शासक ने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 143 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर, यानी अकबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो यहाँ पर आज के दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो 144 नंबर राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी 1919, ठीक है, ए नंबर। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका अब्दुल कलाम आजाद ने जो है किस पत्र का जो है यानी प्रकाशन किया था? तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर, अली हिलाल। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 146 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि सिद्धू कानू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी संथाल विद्रोह राइट आंसर हो जाएगा, संथाल विद्रोह। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो दोस्तों मैं भी जो है काफ़ी थक चुका हूँ क्योंकि लगातार जो है 150 क्वेश्चन जो है अब पूरने जा रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या जो है, ए नंबर, यानी सी राजगोपालाचारी। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न की ओर, तो 148 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत संविधान के निर्माण में कितने समय लगे? तो भारत के संविधान जो बने वो कितने समय लगे थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 148 नंबर का राइट आंसर ए नंबर, यानी 2 वर्ष 11 माह 11 दिन, सॉरी जी बिल्कुल ये सही है। तो यहाँ पर 11 दिन होगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन होगा, ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर, तो 149 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है राखलदास बनर्जी को मोहन जोद्रो का अवशेष किस वर्ष मिले थे? तो इसका राइट आंसर क्या, 149 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, यानी 1922 में मिले थे। तो दोस्तों यहाँ पर 150 नंबर क्वेश्चन आ चुके, क्या कह रहा है, 16 महाजन पद में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? तो दोस्तों यहाँ जो हम लोग 150 को कवर कर चुके हैं, तो इसका जो है राइट आंसर आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में कर दीजिए, और 50 क्वेश्चन बचा है वो क्वेश्चन मैं अगले टाइम में अगला वीडियो में बना दूंगा, क्योंकि दोस्तों मैं भी थक चुका हूँ और शायद आप लोग भी जो है वीडियो लंबा होने के कारण आप लोग भी जो है थक चुके होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए, इतना शेयर करिए कि ये वीडियो वायरल कर देना है आप सभी,
को, क्योंकि दोस्तों इस तरह अगर सभी को भेज देंगे तो क्या होगा कि सभी स्टूडेंट देखेंगे और सभी स्टूडेंट को काफ़ी आसान होगी एग्ज़ाम देने में। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग इतना ही तक समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर से अगले विषय में। तो अगला विषय कौन सा होना चाहिए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है।